आज हम ऐसे पुलिस अहलकारों के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं जो वारदातों में मुलव्वस हैं और वो असल हैं या उनको पकड़ने वाले असल हैं, इसके अंदर फ़र्क करना मुमकिन नहीं है। आप देख सकते हैं कि दो ऐसे पुलिस अहलकार हैं जिनके हाथों पर हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और तीसरे जो है बगैर हथकड़ी के खड़े हुए हैं, और अगर इनकी हथकड़ी उतार दी जाए तो ये भी हरगिज़ भी चोर या डकैत नहीं लगेंगे, बल्कि ये भी ऐसे लगेगा कि पुलिस अहलकार लगे हुए, क्योंकि उन्होंने पुलिस की वर्दी भी पहनी हुई है, असगर ASI और एक फूल भी लगा हुआ है और टोपी शोपी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। साथ ही बिलाल खड़े हैं जो हेड कॉन्स्टेबल हैं, और सिर्फ इन दो से उनको इस तरह से फ़र्क किया जा सकता है, उनमें फ़र्क इस तरह किया जा सकता है कि उनके हाथ पे हथकड़ी नहीं लगी हुई, लेकिन बिलाल उस टीम का हिस्सा है जिन्होंने इन दो मुलजमान को पकड़ा है। मुलजमान के बारे में बताया ये जाता है कि ये पुलिस की वर्दी पहन के वारदात करते थे और डकैती और चोरी की वारदातों में ये पुलिस को मतलूब थे। अब ये पकड़े गए हैं, किस तरह से वारदात करते थे, किस तरह से इनके जहन में ये चीज़ आई कि पुलिस की वर्दी पहन के वारदात करना आसान है, ये नहीं से जानेंगे, और फिर बिलाल से और दीगर पुलिस अहलकार जो इस टीम के अंदर शामिल थे जिन्होंने इन मुलजमान को पकड़ा, उनसे भी जानेंगे। तुम्हारा नाम क्या? तलहा सर। तलहा क्या करते हो? सर जी मैं मजदूरी कारना पट्टे चौंक काटे थे। अच्छा, तो ये पुलिस की वर्दी पहन के मजदूरी करते हो? नहीं सर, दूसरे सिविल कपड़े हैं जो पहने। अच्छा, मजदूरी किस चीज़ की है? कोई ईंटे चींटे उठाते हैं? हाँ जी सर जी। कितने अरसे से वो काम कर रहे हो? सर जी 2010 तो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पुलिस की वर्दी तुमने क्यों पहनेंगे? सर जी किराया कुराया देना सी, लात मारे सन, दिल का भी मरीज हाँ मैं सर जी, मेरे पिछे फोड़ा भी है कैंसर का, किराया नहीं सी दिता जाता सर, तो करदा चढ़ गया सी, तो इसलिए असी दोवां ने प्लान किया कि कोई घर लुट लाँगे तो अपना किराया भी ला लवेंगे तो इलाज भी करवा लवेंगे, ऑपरेशन से भी पैसे लगने से। अच्छा, तो पुलिस की वर्दी पहन के वारदात करने का प्लान कैसे बना? सर जी वो सिक्योरिटी गार्ड होंगे सन, तो वेख के डर जाते। कौन सिक्योरिटी गार्ड है? सिक्योरिटी गार्ड जोड़े होंगे ने डिफेंस में, कि वह वेख के डर जाते तो कोई रोकेगा नहीं, तो फिर उन्होंने घर दाखिल हो गए। कैसे ये सारा प्लान कैसे बना? तुम्हारा हालात तो तुम्हारे ख़राब हो गए, तो उसके बाद ये प्लान तुमने कैसे बनाया कि पुलिस की वर्दी लें, इसको कैसे पकड़ा है, इसको कितने अरसे से जानते हो, कहाँ ये मिला तुम्हें? यह भी अड्डे पर ही काम करता जी। अच्छा। हाँ जी, मेरे नाल ही उत्थे अड्डे पर काम करता। ठीक है, तो काम मिलता ही नहीं सी अड्डे। पुलिस की वर्दियाँ कहाँ से ली? यह सर जी उतों लैन के नाल ही दुकाना ने प्राइवेट उत्थे समान। तो उसके वहाँ पर तो पुलिस की वर्दियाँ आम बंदे को बेचने पर पहुँच दी है, तुम लोगों ने कैसे ले ली? सर जी वो प्राइवेट दुकान सी, तो जिहड़ा मुंडा सी हौली उम्र दा ही सी, जिहड़ा उत्थे बैठा सी उस्मान उहदा नाम सी, उहदे तों लई। अच्छा, असगर तुम्हारे कपड़ों के ऊपर असगर लिखा, वैसे नाम क्या तुम्हारा? मोहम्मद असगर जी। मोहम्मद असगर ही है जी। अच्छा, ईमानदार चोर हो। अच्छा, वर्दी खरीदी, इसका प्लान था पुलिस बन के वारदात करने का तुम्हारा? ये सर इसने प्लान बनाया था और हम तीन बंदे हैं, तीसरे को भी इसने यही कहा था भाई हम काम लगता नहीं है, तो मैंने कहा भाई मेरे घर में भी बाल बच्चा होने वाला है, ड्रीवरी केस है और हालात बहुत ख़राब हैं, किराया देना है मकान का, तो इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं फिर कोई घर लूट लेते हैं तो हालात सेट हो जाएंगे। मैंने इनको कहा भी वर्दी पहन के ना करें, ऐसे कर लेते हैं। इन्होंने कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। फिर हम तीनों यानी कि मशवरा किया, एक डेढ़ हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद हमने ये वारदात की है सर। अच्छा, तीसरा कौन है? तीसरा जी सहेल है, पता नहीं सर। वो नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया था सर। अच्छा, तुम लोगों ने अब तक मिलके कितनी वारदातें की हैं? ये पहली वारदात है सर। तुम्हारी पहली सर? इससे पहले कभी तुम पुलिस ने नहीं पकड़ा किसी केस में? चलाने वाला नहीं हुआ सर जी। पहले कार किराए तो ले सी, तो 4 महीने का किराया नहीं सी देता, तो उन्होंने फिर पिछे कार्रवाई कर देते सी। कार कितने गई? उन्होंने मिल गई सी मालक मकाना, उन्होंने जिहड़े रेंट कार उदो डीलर दे नाल मैं हुन्ना सा। पुलिस की वर्दी में तुमने एक ही वारदात की है जी सर जी? इको ही है होगा। ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं सर जी? ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद। अच्छा, एक ही वारदात की? किसके घर वारदात की? डॉक्टर साहब ने। अच्छा, कैसे प्लान बनाया कि इस घर को लूट रहे हैं, और क्या सारा कैसे किया, सारी वारदात बताओ ना सर जी। वो थोड़े सहंदे बंदे सन, तो असी आख्या इधरों कोई। जानते थे पहले तुम डॉक्टर साहब को? नहीं जानते नहीं सा। एक बार नाल ही उन्होंने गली कोठी उत्थे मजदूरी की थी सी, तो इन्हों का ड्राइवर से, तो वह कहें सन कि ये बंदे सहंदे ने,
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਗਏ ਚਲੇ ਸਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਲ ਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਇਆ ਕੋਈ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫੜਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਹੀ ਆਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਕਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਐਡੇ ਅਰਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸਗਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਆਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲਵੋ ਬਾਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਉਰੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਦ ਕੋਲ ਸੀ ਸਰ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬੈਕ ਬੂਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਹੇਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸੁਹੇਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੈਪ ਲਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਸਰ ਤਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਡਰ ਗਏ ਆ ਸਰ ਡਰ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਛੋੜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਰੇਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਨਸੇ ਜਾਣਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਚਲਤੇ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਆ ਚਲੀ ਥੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਜੀ ਹਮੇ 150 ਕਾਲ ਹੋਈ ਥੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਮੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾ ਪੁੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਯੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰੋ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਕੈਮਰੋ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ DHS ਫੇਸ 6 ਸੇ ਯੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇ ਔਰ ਫੇਸ 6 ਸੇ ਯੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅੱਛਾ ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਤੇ ਯੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ 100-100 ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਯੇ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਗਾਓ ਮੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜੋ ASC ਅਸਗਰ ਹੈ ਇਸਕੇ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤਿਲ ਕਾ ਤੋ ਇਸੇ ਹਮ ਟਰੇਸ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਤਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਕੈਮਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਉਨਸੇ ਹਮ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਘਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਥੇ ਫਿਰ ਇਸਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਆ ਇਸਕੋ ਤੋ ਉਸਕੋ ਜਬ ਚੈੱਕ ਕੀਆ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯੇ ਫਿਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਕੇ ਹਮਰਾਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਮੇ 3 ਮਾਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗਾਲਿਬਨ 3 ਮਾਹ ਤੀਨ ਮਾਹ ਯੇ ਕੈਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਚੱਕਰ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਰਹਤੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕੈਸੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਹਮਨੇ ਤੋ ਜਿਤਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਥੇ ਕੁਛ ਉਹ ਜੋ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਜਬ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਯੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੇ ਤਲਹਾ ਨਈਮ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਬਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਇਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਘਰ ਕਾ ਆਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿਲਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਗੁਫਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈ ਉਨਸੇ ਵੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨਕੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨਸੇ ਵੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਅਭੀ ਤੱਕ ਤੋ ਯਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ
बाकी जो तफ्तीश में चीज़ें हैं वो तफ्तीश अफसर से जाते हैं। पुलिस चेकिंग के बहाने डॉक्टर साहब के घर में दाखिल हुई और उसके बाद चेकिंग ऐसी की कि वो तमाम सामान जो था वो साथ लेके चली गई और बाद में इंकशाफ हुआ कि वो पुलिस वाले नहीं थे बल्कि चोर थे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह से ये सारी वारदात जो थी वो इनके घर में हुई, कौन उस टाइम घर में मौजूद था, क्या उनको शक हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब जो डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, आपको ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब, ये वकूआ कैसे हुआ, आप लोगों को क्या बिल्कुल शक नहीं हुआ कि ये असल पुलिस है या नकली पुलिस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बाहिफाजत, हमारी रिकवरी भी हो गई, हमारे मुलजम भी पकड़े गए। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पुलिस डिपार्टमेंट का भी कि जिन्होंने इंतहाई जान फिशानी से इस मामले को हल किया और हमें ज़हनी सुकून नसीब हुआ है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और जो जैसे कि लोगों का इम्प्रेशन होता है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और हम अप्रिशिएट करते हैं पूरी टीम को, पूरे डिपार्टमेंट को, पुलिस को, कि उन्होंने इंतहाई जानफिशानी से विदाउट एनी कोई उनको हमने प्रेशराइज नहीं किया, हमने उनको कोई लालच नहीं दिया। हुआ क्या डॉक्टर साहब, हुआ क्या? अच्छा, इसमें ऐसे हुआ था कि वाकया कब का, पहले ये बताइए। वाकया है ये 16 नवंबर का वाक्य है। मैं एज़ यूजुअल अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ 7 बजे के करीब तो घर में फिर मिसेज हैं और दो बेटियाँ थी और एक मुलाजमा थी, तो वो कोई 9:30 बजे बकौल उनके कि वो आए हैं कुछ लोग और आके हमें, हमारा जो मुलाजिम है उसके बारे में कहने लगे कि जी उसने कोई कत्ल कर दिया, उसने कोई मार दिया, किसी को गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो हम उसको तलाश करने आए। तो मिसेज कह दिए कि मैं फ़ौरन, जब मैंने देखा कि अंदर ही घुसा है तो मैं फ़ौरन बाहर आ गई। मेरी अहलिया ने ये कहा कि 3 बंदे आए, 2 पुलिस में थे, पुलिस वर्दियों में थे और एक सिविल ड्रेस में था, और आके उन्होंने जी हमें फ़ौरन कहा कि जी वो आपका मुलाजिम किधर है, वो कोई वारदात करके आया, उसने किसी को गाड़ी के नीचे दे दिया, तो हम उसको तलाश कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा भाई आप कौन हैं, क्यों आ रहे हैं, आप बाहर चलें। तो मिसेज भी बाहर आ गई हैं, तो ये भी इनके पीछे कहती हैं कि मेरे पीछे बाहर आए हैं, और कहते हैं बीबी आप क्यों घबरा रही हैं, हम पुलिस वाले हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल, हम उनको ढूंढने के लिए आए हैं, तलाश करने के लिए, बात कर लें बैठ के। तो कहती है मैं अंदर आ गई दोबारा और मैं पोर्च में आ गई, तो मैंने कहा चले इधर ही बैठ के बात करते हैं। कहते नहीं अंदर आ जाएँ आप, अंदर बात करें आके। तो मैंने जब देखा कि पुलिस की वर्दियों में, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इनके साथ तावन करना चाहिए, तो मैं अंदर आ गई। वैसे आपके घर में ड्राइवर है? ड्राइवर तो नहीं है, चौकीदार है। तो वो गाड़ी चलाता है? वो गाड़ी कभी कभी मेरी चला लेता है, तो वो कह रहा है जी उसने मार दिया किसी को। तो जैसे ही अंदर आई हैं तो फिर इनसे कहते जी वो किधर है, क्या है, हम तलाशी ले रहे हैं, वो कमरों में इधर कभी घुस रहे थे, कभी उधर घुस रहे थे। फिर आखिर में इन्होंने कहा कि आप इधर बैठ जाएँ, इन मिसेज को बिठा दिया उधर कमरे में और इनको बांध दिया। फिर ये ऊपर गए हैं, ऊपर मेरी बेटियां जो हैं वो सो रही थी कमरों में, उनको भी जगाया, उनको जगा के तो गन पॉइंट पर बकौल उनके किसी गन पॉइंट पर हमें कहा चुप हो जाओ, बात नहीं करनी है, और वो हमें ले आए नीचे, दूसरी बच्ची को भी ले आए और हमें जो है ना अलहदा कमरों में बंद करने लगे। हमने कहा कि नहीं भाई हमारी अम्मी बीमार है तो हम अलहदा नहीं होंगे। फिर उन्होंने हमें सबको उधर ही बांध दिया और उसके बाद उन्होंने तलाशियाँ लेनी शुरू कर दी सारा घर। एक बंदा इनके पास बैठा रहा
और दूसरे जो हैं वो दो उनको इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने कि जी वहाँ पे जाएं वहाँ पे जाएं वहाँ पे जाएं, वो गए सारा कुछ उन्होंने फिर लैपटॉप और दूसरी वैल्यूबल जो चीज़ें थी वो सारी कलेक्ट की। तो उसके बाद फिर वो और भी सारा देखते रहे लेकिन उनको खल और कुछ नहीं मिला। तो वो फिर इतनी देर में मिसेस कहती हैं कि हमारे जो कपड़े इस्त्री करने वाली वो मुलाजमा आ गई। तो इन ये लोग बाहर गए, बाहर जब गए तो इन्होंने कहा जी आज आप छुट्टी करें। तो वो मुलाजमा समझ गई कि कोई मसला है, वो साथ वालों के घर में गई। साथ वालों के घर वालों ने फिर फ़ोन वगैरह किए तो ये फिर डर गए और फिर ये उसके बाद ये चले गए। आपने अहलिया ने आपको ये बताया कि इनको बिल्कुल भी उनकी शक्ल सूरत से शक नहीं हुआ, वर्दियों से, कि ये पुलिस वाले हैं या नहीं है कोई ऐसी? नहीं, वो कह रही हैं कि उनकी एक्टिंग इस तरह की थी, उनका बिहेवियर इस तरह का था कि मैंने समझा कि वाकई पुलिस वाले हैं, वो इतने ट्रेंड लग रहे थे। तो मुझे शक नहीं हुआ, फिर मैं बैठ गई रिलैक्स होके और उसके बाद फिर उन्होंने एकदम अपना रूप बदल लिया। जब आपने पुलिस वालों को असल पुलिस को बताया कि ऐसे जाली हाँ, पुलिस उसके वाले। बाद फिर मेरी बेटी ने उनको, जब ये लोग चले गए हैं तो बेटी ने फ़ोन किया पुलिस को 115 पे या 2 पे जो भी था, वो पुलिस फिर फौरन ही आ गई और इतनी देर में मैं भी पहुँच गया। फिर तो मैंने जब देख पहुँचा तो फिर वो पुलिस सारी जमा हुई थी वहाँ पे, बच्चियाँ जो हैं मेरी वो भी हरासा थी और मिसेस पिछी वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बहुत ही कंफ्यूज थी। बहुत इस तरह तो वो बता रही थी कि भाई दौरान इसी तफ्तीश के दौरान, इसी सारी डकैती के दौरान इनके मुंह से मास्क भी उतर रहे, हमने देख भी लिया और उनमें से एक को पहचान लिया कि ये तो वही है बंदा जो हमारे यहाँ टाइलें लगाने आया था। हाँ जी बिल्कुल, उसने बताया कि उसने आपके घर काम भी किया था। हाँ, ये आपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर था आपका? नहीं, ये है तो पुराना घर था लेकिन कुछ पोर्शन रह रहा था उसका। तो इसको आप लोगों ने कोई एक्सेस दी थी अंदर तक कि ये आपको सारे घर से वाकिफ हो गया? नहीं, ये तो चूंकि मैं तो नहीं था अंदर, ये काम कर रहा था अंदर और ये जो हमारा ड्राइवर है जिसको ये शहबाज कह रहा था कि इसने कत्ल मारा किसी को, वो जो है ना, हमने कहा यार कोई किसी मिस्त्री को लेके आओ, वो लेके आ गया। तो चूंकि काम दो थोड़ा ही सा रैंडमली मिस्त्री को लेके और उसने आप लोगों को देख लिया कि दो दिन का काम था सारा, थोड़ी सी टाइलें रहती थी बाकी तो घर कंप्लीट हुआ हुआ था, एक पोर्शन में थोड़ी सी टाइलें रहती थी तो वो लगाने आया है दो दिन और उसके बाद ये इसने सब वारदात कर ली। जब सब मुश्किल केस था या आसान केस था कि पुलिस वालों को ही पकड़ना था, आपने क्या हुआ जब आप लोग मौके पे पहुंचे तो क्या मुलजिमों का पहले कोई ऐसे रिकॉर्ड था कि इस तरह से उन्होंने वारदात वगैरह की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काम तो कोई भी मुश्किल नहीं होता जब इंसान करना शुरू करे तो, एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर ये हमारी ड्यूटी भी है और ज़िम्मेदारी भी है। तो ये बस थोड़ी सी हमें इसमें मेहनत करनी पड़ी, CCTV कैमरा, सेफ सिटी कैमरा, वो हमने सारे चेक किए और मोबाइल डॉक्टर साहब के घर से गए थे वो हमने ट्रैकिंग पे लगवा दिए। तो एक मोबाइल था उसमें जो डॉक्टर साहब के हाथ चोरी हुआ था वो एक मुलज़म ने सील कर दिया था किसी बंदे को, उसने सिम डाली तो उससे ये जो है ट्रेस हो गए। तो उस बंदे तक हम पहुँचे, उस बंदे ने इन तक हमें पहुँचा दिया। तो जब ये हम फिर पकड़े गए तो फिर ये जो है ये दौरान ही गिरफ्तारी इन्होंने ये सारे इंकशाफ किया, ये वारदात की, इस फिर हम इन्होंने शनाख्त परेड पे इनको बंद करवा दिया। शनाख्त परेड कराएगी मजिस्ट्रेट साहब से और डॉक्टर साहब इनकी तरफ से जो अहलियाँ वो गई जेल में। इनकी शनाख्त परेड होने के बाद फिर इनको हम रिमांड पर लेकर आए, रिमांड के दौरान फिर इन्होंने ये बरामदगियाँ करवाई हैं और जो डॉक्टर साहब की तरफ से चोरी शुदा सामान था वो उसी हालत में जो है वो बरामद हुआ। कितनी इनका नुकसान कितना हुआ? उसमें से जो लैपटॉप थे, दो अदद लैपटॉप थे, वो तकरीबन 2 लाख के करीब थे, वो बरामद हो गए और गोल्ड था इसमें से तकरीबन 9-10 तोला, तो वो बरामद हो गया है। एक दो चीज़ें वो रह रही हैं इनमें से, चूँकि एक मुलज़िम था हाल अभी मफरूर है तो इन्होंने आपस में वो तकसीम कर लिया था सामान। मुलज़िमों का बैक रिकॉर्ड क्या, किस किस्म की वारदातों में मुलविस रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने पहले कोई वारदातें नहीं की, पहली वारदात है। इनसे पहले तो इसकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं शो हो रहा और इन्वेस्टिगेशन में भी अभी तक कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया, एक बस झगड़े की कोई इनकी FIR है एक ही मुलज़िम की जो है।
ऐसा तो नहीं है कि मुलजिम क्योंकि पुलिस की वर्दी में वारदात करते थे इसलिए कभी पकड़े नहीं गए? नहीं, इससे पहले अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन की है इनके हर एंगल से हमने, तो इस तरह की कोई सूरत हाल सामने नहीं आई है। ये बेसिकली मजदूर थे और ये इस ठेकेदार के साथ काम करते थे, तो ये हाल पीछे के बता रहे हैं इंकशाफ, इन्होंने ये किया है कि हालात मजदूर ख़राब हो गए कोरोना की वजह से, मजदूरी नहीं मिल रही थी तो रेंट पर रहते हैं, बीवी बच्चे हैं, इनका घर बार चलाना मुश्किल, तो एक ये आइडिया आया जी हमने DHA में इंटर होना है किसी घर में, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं और इनके यहाँ जो काफ़ी माल मिल जाता है, ये इनका आइडिया था। दूसरा फिर इन्होंने ईजी एक्सेस के लिए जो ये इन्हों का आइडिया है जी, पुलिस यूनिफॉर्म हम क्यों ना यूज़ कर लें वहाँ पर, क्योंकि कह दिए इनको बकौल जी पुलिस वालों को कोई नहीं पूछता, आसानी से चले जाते हैं, तो ये पुलिस की यूनिफॉर्म ली इन्होंने और वो पहन के ये घर में दाखिल हो। यूनिफॉर्म भी रिकवर हो गई, चीज़ें भी रिकवर हो गई? जी यूनिफॉर्म रिकवर हो गई है, एक ही पेयर था। अच्छा मुझे ये बताइए जावेद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि पुलिस की जानिब से जो आला अफसरान थे IG पंजाब की जानिब से बाकायदा ये हदायतनामा जारी किया गया था कि जो यूनिफॉर्म्स की सेल है वो सिर्फ ऑफिशल्स को होगी, आम शहरी को नहीं हो सकती, तो उसके बावजूद फिर इन्होंने कैसे यूनिफॉर्म इतनी आसानी से ले लिया? ये SOP जो बनाई गई है, बेसिकली जो दुकानदार हैं ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जा रही है, तो उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये वहाँ पर पुलिस लाइन के साथ जो किला गुजर सिंह बाजार है वहाँ पर गए, बाज़ार में इन्होंने अपना तारुफ बतौर मुलाजम ही कराया उनको कि हम जी मुलाजम के तौर पर यहाँ पर हैं, तो वो भी तस्दीक करते नहीं है, बगैर तस्दीक उन्होंने यूनिफॉर्म इनको दे दी। सही, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आपने जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी, जावेद साहब का कहना है कि अभी तक इब्तदाई तफ्तीश के अंदर तो यही चीज़ सामने आई है कि मुलजिमों का दीगर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो उनका जहन बना था कि पुलिस की वर्दी पहन के वारदात करेंगे, डेफिनेटली अगर ये वारदात कामयाब हो जाती और पकड़े ना जाते तो और भी दीगर वारदातें जो थी उन्होंने उसका सिलसिला भी जारी रखना था। इस प्रोग्राम के अंदर दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि इंसान कैसे अगर परेशानियां उसके ऊपर आएँ तो वो कैसे जराइम की तरफ कायल हो सकता है, कैसे उसका जहन जो है उसको इस चीज़ पे मायल कर सकता है कि अब वारदातें करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा तो जो मुआशरा है वो भी इस चीज़ को तलकीन करता है कि आप सब्र करें और अगर आपके ऊपर क्राइसिस आता है तो आप उसको उसे नबर्द आज़मा होने के लिए अपनी विल पावर जो है इस्तेमाल करें। तो कैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इस चीज़ के ऊपर एक दूसरे को मायल कर रहे हैं या कायल कर रहे हैं कि वारदातें करते हैं और वो भी पुलिस की वर्दी में। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफीक मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब भी हम कोई बुरा काम करने लगते हैं तो हमारा इंसानी जहन जो है वो हमें रोकता है, तो ये कैसे इतने बड़ा इकदाम इन्होंने उठा लिया? डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जिन मुलजमों के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आज तक उन्होंने कोई वारदात भी नहीं की, और पहली वारदात की और उस वारदात के अंदर पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल की और वारदात की, एक इंसान जो इंतहाई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है और उसको पता है कि वो पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त उसको सज़ा मिल सकती है, तो कैसे इंसानी जहन उसको इस तरफ रागिब कर सकता है कि आप वारदात करें और वो भी पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के? देखें, पहली बात यह है कि इंसान वो करता है जिस पे उसको उस चीज़ से डरता है जिसके ऊपर उसको हो कि इस पे मुझे पनिशमेंट मिलेगी। पहली बात तो ये है कि विद ड्यू अपॉलोजीज पनिशमेंट जो है हमारे माशरे में हर किसी को नहीं मिलती, ठीक है। लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि वारदात कर भी लेंगे तो किसने हमें पकड़ना है, तो एक तरह की ये एक सेकेंडरी री इन्फोर्समेंट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इंसान की जब बेसिक ह्यूमन नीड्स नहीं सेटिस्फाइड होती तो इंसान किसी
किसी भी हद तक जा सकता है। आप देखेंगे पहले जब डार्क एजेस थी, किस तरीके से लोग अपनी खुराक पूरी करने के लिए किस हद तक चले जाते थे, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो मेरा ख्याल में इस कहानी में भी ऐसा ही है कि जो हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन है, इकोनॉमिक डेप्रीविएशन किसी भी हद तक, नफसियाती हद तक बंदे को गिरा सकती है। और ये हमारे जहन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इड, ईगो और सुपर ईगो होता है। इड जो होता है वो कहता है कि ले लो, वारदात कर दो, चोरी कर लो। जो हमारा सुपर ईगो होता है वो कहता है कि नहीं, अभी आप इस कॉन्शियसली आप इसको करें। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जब तंग आ जाता है हालात से, तो उसके लिए इतना ड्रूप डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि फिर वो उसको कहते हैं ना कि सर्वाइवल है, वो उसकी बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही, फिर वो सेकेंडरी नीड्स की तरफ नहीं जाता। तो इस वजह से मेरे ख्याल में लोग इस तरह के इकदाम करते हैं। देखिए, इन्होंने वारदात की, पहली दफा वारदात की, लेकिन इनके जहन ने इस चीज के ऊपर इनको आमादा किया कि आप पुलिस की वर्दी पहन के करें और आप पकड़े भी नहीं जाएंगे। और इन्होंने बकायदा प्लान किया कि जिसके घर में इन्होंने रेनोवेशन की थी, उसी शख्स, वो भी एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, उसी के घर में गए और वहां पे जाके बकायदा पुलिस की एक्टिंग की। और बस वो जब एकदम उन्होंने हैसल करनी शुरू की, लालच करनी शुरू की, तो पकड़े गए। जब एक बंदे ने कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है, वो डरता भी है पुलिस से, लेकिन ये इतने ज्यादा इनके अंदर करेज कहां से आ गई कि इन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, गए और बकायदा पुलिस प्रिटेंड की और उसके बाद वारदात करके फरार हो गए। देखें, इस चीज के अंदर भी ये चीज नजर आ रही है कि जहां हमारे माशरे में इकोनॉमिक आप डिस्पैरिटी है, यहाँ लोग अमीर हैं या गरीब है, जब गरीब बंदा किसी अमीर बंदे को देखता है तो उसके माइंड में एक तरह का एंगर जो है वो आ जाता होता है, और वो गुस्सा भी कई दफा उसको ऐसे काम करने पे मजबूर कर देता है। कई दफा जरूरी नहीं होता कि बेसिक नीड्स ही हों उसकी, कई दफा गुस्से की वजह से कि इसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात है कि उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, तो उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि घर में कौन कौन लोग होते हैं, उनके पास कितना पैसा है, क्या है। क्रिमिनल माइंड, देखें क्रिमिनल माइंड हर बंदे में, मैं आपको पहले भी कह रही थी कि एक इड का एलिमेंट होता है, एक नेगेटिविटी होती है, उसको कॉन्शियसनेस से हम दूर या मोरालिटी से या एथिक्स से जो है हम उसको एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो उसे रोका होता है। तो ये किसी का इड कभी भी जाग सकता है, और वो उसके जागने के फैक्टर्स हो सकते हैं, इजी अवेलेबिलिटी हो सकती है, या आपको गुस्सा हो सकता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे, या आपकी अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होती, तो या फिर आपके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स पहले से मौजूद होंगे। हर शख्स में थोड़े से एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। इंसान को मौशी तंग दस्ती बुराई की तरफ रागिब कर सकती है, इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल कर सकती है। आपके सामने एक कहते हैं ना कि सीधा साधा केस है, जिसमें आपके अंदर अगर कहीं भी आपके पास जो आपकी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, तो इंसान तो जिंदगी के अंदर बहुत अप एंड डाउन देखता है, रूजो जवाल देखता है, तो हर बंदा तो क्रिमिनल उसकी साइड पे नहीं जाता। हर बंदा नहीं जाता, क्योंकि आपकी उसमें मॉरल डेवलपमेंट होती है। कई लोगों की मॉरल डेवलपमेंट की वो स्टेजेस जो होती हैं वो पूरी की होती है। कुछ लोगों की बचपन में, कई दफ़ा हम बच्चों को डबल मैसेजेस देते हैं कि ये कह दो, झूठ बोल दो, ये कर दो, जब बच्चे की मोरालिटी ही नहीं प्रॉपर तरीके से, मॉरल डेवलपमेंट नहीं हुई होती या एथिकल डेवलपमेंट नहीं होती, तो उन लोगों में प्रॉबिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो ऐसे सर्कमस्टेंशल, जब उनकी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें स्ट्रेसेस आते हैं, इकोनॉमिक डेप्रिविएशन होती है, उसमें वो इस किस्म के काम कर लेते हैं। तो इंसान कर सकता है? जी कर सकता है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थी। मुलजमान का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, और जब इस हवाले से तफ्तीशी से पूछा गया तो उसने भी यही कहा, मुलजमान खुद भी अपने मुँह से यही कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से जब पूछा जिनके घर उन्होंने वारदात की, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेगम को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि ये असल पुलिस है या नकली पुलिस है। और जब उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी, आपने खुद भी देखा कि जब उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, तो उनको उनमें ये तमीज़ नहीं की जा सकती कि असल पुलिस वाला कौन, नकली पुलिस वाला कौन है। और जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि अगर किसी के ऊपर तंगदस्ती आ जाती है, मौशी तंगदस्ती आ जाती है, तो इंसानी जहन जो है वो उसको किसी भी बुराई की तरफ रागिब कर सकता है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इस प्रोग्राम में इन मुलजमान ने भी यही किया कि जब उनके उधर ऊपर बहुत ज़्यादा गुर्बत हावी हो गई कोरोना वायरस की वजह से, उनको उनकी दिहाड़ियाँ लगनी बंद हो गई, उनकी मेहनत मजदूरी करके जो पैसे कमाते थे वो कमाने बंद हो गए, तो एक दिन उन्होंने ये सोचा कि आज पुलिस की वर्दी खरीदते हैं, वारदात करते हैं, अगर कामयाब हो गए तो भले भले हो जाएगी, और अगर पकड़े गए तो फिर उसका खमियाजा जो है वो करना पड़ेगा। और उनका जो वजदान, यानी उनके सबकॉन्शियस में जो एक चीज़ थी कि पकड़े जाने का खौफ था, बिलाकर वो पूरा हो गया और वो पकड़े गए। और अब जब पकड़े गए हैं तो सजा तो उनको मिलनी है, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि आइंदा वो इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे और जराइम की दुनिया में बिल्कुल भी जाने का नहीं सोचेंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम पर अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।